वेलकम टू हेल्थ डायरी और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि सेहत है तो सब कुछ है। WHO के अनुसार हेल्थ को कैसे डिफाइन किया गया है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बट क्या हम मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं? इसका जवाब है नहीं। जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते। मेंटल हेल्थ के प्रति हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं और मिथ्स हैं, जिनको हटाना ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस हमारी एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी भी है। लेकिन आज हम मेंटल हेल्थ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यानी कि 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की के जाने माने न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी। सो सर, वेलकम टू हेल्थ डायरी। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया और जनता के सामने लेकर आए जी। WHO के आंकड़ों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि विश्व में हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित होता है। हमारे देश की जनसंख्या को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। और ये एक बहुत ही नेगलेक्टेड टॉपिक है क्योंकि इसको लेकर समाज में कई तरह की मिथ्स हैं, कई टैबूज के साथ में जुड़े हुए हैं, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पाया गया कि जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फिजिकल हेल्थ होती है उतनी ही इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी होती है। तो अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सर, जो एक हमारे सोसाइटी में एक तरह की सोच है कि मेंटल हेल्थ में जो आप दवाइयाँ देते हैं वो एडिक्टिव होती हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज़्यादातर लोगों के मन में ये रहता है कि ये दवाई नशीली होती हैं या सिर्फ नींद की दवाई होती हैं और ये शरीर को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ़ होती हैं, ज़्यादातर दवाइयाँ एडिक्शन नहीं करती हैं। एक एक्सपर्ट के सुपरविज़न में अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो हम ना केवल उस बीमारी को सही कर सकते हैं और बल्कि कोर्स पूरा करने पे मेडिसिन को छोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन एडिक्टिव होती हैं। एक कोर्स के बाद में हम मेडिसिन को धीमे धीमे बंद कर सकते हैं ज़्यादातर बीमारियों में। तो यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बीमारियाँ सही होने के बाद मेडिसिन छोड़ी जा सकती है? जी, ज़्यादातर बीमारियों में जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, OCD वगैरह, इसमें हम मेडिसिन को कोर्स के बाद में बंद भी कर सकते हैं। कुछ बीमारियों को छोड़ दें जो कि सीवियर होती हैं, उनमें मेडिसिन का कोर्स लंबा चलाना पड़ता है, बाकी बीमारियों को दवाइयों के साथ में हम सही कर सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों के मन में एक और सवाल रहता है कि जो दवाइयाँ हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्योर करने के लिए देते हैं, दिमाग को कमज़ोर बना देती हैं, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ये तथ्य कितना सही है? ये बहुत ही कॉमन मिथ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि दिमाग की जो दवाइयाँ होती हैं ये दिमाग को कमज़ोर कर देती हैं या फिर शारीरिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर कर देती हैं, तो भविष्य में इसको लेके व्यक्ति को खतरा पैदा हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवाइयाँ केवल बीमारी को सही करती हैं, व्यक्ति को किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं बनाती हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये दवाइयाँ बहुत ही सेफ़ होती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। तो सर, जैसा कि आज मेंटल हेल्थ डे है तो इस बार का थीम क्या है? इस बार की थीम WHO ने रखी है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सुसाइड प्रिवेंशन। ऐसा पाया गया है कि हर 40 सेकंड में विश्व में कोई ना कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और इस चीज़ को पूरी तरीके से रोका जा सकता है। हम कई जाने बचा सकते हैं अगर हम इस बारे में अवेयर हों कि सुसाइड वाले व्यक्ति को कैसे, जो व्यक्ति सुसाइडल है उसे कैसे पहचाने और उसकी मदद किस प्रकार की जा सकती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हम सुसाइडल टेंडेंसी वाले जो लोग हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनको पहचाने कैसे? हम ये देख सकते हैं कि आसपास का कोई व्यक्ति यदि अचानक से गुमसुम रहने लगा है या काफ़ी समय से वो लोगों से कटा कटा रहता है, लोगों से बात नहीं करता या इस तरह प्रकार की बातें करता है जिसमें निराशा हो, या वो कहता है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा दी है या अब मेरा दुनिया में कोई काम नहीं बचा है, तो वो इस ओर संकेत करती हैं कि उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें चल रही हैं। दूसरा, अगर उसकी मनोस्थिति इस प्रकार की है जैसे कि उसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, या हमें लगता है उसके हाव भाव से कि वो किसी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित है, तो भी हम इस ओर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति आगे जाके कोई गलत कदम उठा सकता है। तो इसको रोकने के जो है तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से जो हम सुसाइड्स को रोक सकते हैं?
देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम आसपास के व्यक्तियों के साथ में बात करें। ऐसा कहते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को 5 मिनट देते हैं तो हम एक ज़िंदगी को बचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ सिंपल से कुछ स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि हम व्यक्तियों को देखें, उनसे बातचीत करें, उनकी मनोवस्था को पहचानें, उन्हें हौसला दें, उन्हें बताएं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, हम उनके साथ में हैं, उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करें, किसी साइकेट्रिस्ट से, या बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं इस चीज़ के लिए, उस पर बात करें, एक्सप्रेस करें खुद को, और इस चीज़ को रोका जा सकता है। सुसाइड ही एक अंतिम इस चीज़ का उपाय नहीं है, वो एक डिकंस्ट्रक्टिव वे है प्रॉब्लम से डील करने का, और प्रॉब्लम्स के साथ में प्रोडक्टिव वे में डील किया जा सकता है। जैसे कि आप एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हैं, तो क्या भारत सरकार ने कोई कदम उठाया है इस ओर की सुसाइड्स को रोका जा सके? भारत सरकार की ओर से एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है। कुछ हेल्पलाइंस भी इसके लिए जारी की गई हैं, तो जो व्यक्ति सुसाइडल हो वो उस फ़ोन पर बात करके काउंसलर से बात कर सकता है, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, तथा उसे समय पर मदद दी जा सकती है। इसके अलावा भी कई फाउंडेशंस हैं, जैसे दीपिका पादुकोण के द्वारा चलाई गई एक फाउंडेशन है TLL, वो भी इस चीज़ के लिए मदद लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सर, इस तरह की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या ये लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, या फिर किस तरह का इनका वर्किंग है, आप थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। बेसिकली इनका काम होता है लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। तो इनके साथ में कई वॉलंटियर जुड़े रहते हैं, जैसे कि कई साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट वगैरह इनके साथ में अटैच्ड होते हैं। इनका काम होता है कि लोगों को सही जानकारी प्रदान करना, क्योंकि आजकल के समय में इंटरनेट पर सही और गलत दोनों ही प्रकार की जानकारियां मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो ये सही जानकारी प्रदान करते हैं, जरूरत पड़ने पे बीमार व्यक्ति को काउंसलर या साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी देते हैं, एवं उनको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि आपके आसपास के एरिया में कौन सा साइकेट्रिस्ट मौजूद है। तो सर, जाते जाते एक हमारे दर्शकों को आप मेंटली हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, वो अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर रहें तथा इस पर ध्यान दें। जैसा ख्याल हम अपने शरीर का रखते हैं, अपने दिल का रखते हैं, वैसा ही ख्याल अपने ब्रेन का भी रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो मेंटेलिटी है कि अच्छा सोचो उससे अच्छा ही होगा, अगर कोई बीमार है, डिप्रेस व्यक्ति है, कोई मेंटली इल व्यक्ति है, तो हम कहते हैं ये तो तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो, अच्छा सोचो तो सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल इलनेस है, अगर हम इसका इलाज करते हैं तो ये पूरी तरीके से सही हो सकती है। तो हम उसको भी उतना ही सीरियसली लें जितना कि हम अपने शारीरिक बीमारियों को लेते हैं, जैसा कि हार्ट अटैक को लेते हैं। तीसरी चीज़, हम चाहेंगे कि आप खुद भी अवेयर हों तथा दूसरे लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें। ये बीमारियाँ किसी प्रकार के जादू टोने या किसी ओपरा के असर से नहीं होती हैं, इनका एक कारण, बायोलॉजिकल कारण होता है दिमाग के द्रव्यों के हेरफेर या उनमें इम्बैलेंस या दिमागी संरचना के बदलाव के कारण ये बीमारियाँ होती हैं, और इनको एक एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट केयर में बिल्कुल सही किया जा सकता है। तो अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटली फिट रहें और अवेयर रहें, ताकि आप अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रख सकें। बाकी दूसरी चीज़ है कि इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, किसी प्रकार के व्यसन जैसे कि शराब, तंबाकू आदि से दूर रहना, एवं फास्ट फूड और जंक फूड को अवॉइड करना। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी वंडरफुल एडवाइस दी, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको जो मेंटल डिजीज है उनके प्रति जागरूक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी न्यूयॉर्क सिटी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाया और लोगों को अवेयर करने में हमारी मदद की। तो दोस्तों, हेल्थ डायरी के इस एपिसोड के माध्यम से हमने कोशिश की है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके जो भी मिथ्स हैं वो दूर हो सकें, और मेरा आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि आप खुद भी मेंटली फिट एंड फाइन रहिए, और अपने आसपास के लोगों का, अपने नियर एंड डियर वंस की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि मेंटल हेल्थ के प्रति हमारी सोसाइटी में जागरूकता आ सके। और इसी तरह के हेल्थ कॉन्टेंट के लिए न्यूरोसिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।